अगर हम देखें इस पे बहुत सारे इसके कारण है। एक तो सबसे पहले जब हम गाभिन कराने जाते हैं तो ये हमें ध्यान देना होगा कि उस पशु के शरीर का वजन क्या है। हमेशा ये ध्यान देना होगा कि कम से कम अगर बच्चिया है पहली बार गाभिन होना है तो 200 किलो से उसका वजन कम नहीं होना चाहिए। यदि हम गाय की बात करें यानी एक ब्यात या दो ब्यात की गाय तो उसका वजन 250 किलो से कम नहीं होना चाहिए। तो शरीर का भार एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर शरीर का भार कम होगा तो निश्चित तौर पर वो गर्भ टिकने की जो है चांसेस कम हो जाएंगे। तो एक तो ये ध्यान देना होगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि जिन पशुओं में हम गर्भाधान कराते हैं तो गर्भाधान कराने से पहले हमें ध्यान देना होगा कि गर्मी के सही लक्षण क्या हैं। यानी जो गाय गर्मी पे है उसकी पहचान सही करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे जब गाय गर्मी पे आती है तो वे ज़ोर ज़ोर से रंभाती है यानी बोलती है, दूसरी गायों पर चढ़ती है और बार बार पेशाब करती है। कई बार गायों में काफ़ी बेचैनी होती है यानी इधर उधर तेज़ी से वो टहलती है या दौड़ती है। और यदि दुधारू पशुओं की बात करें तो जो दुधारू गायें होती हैं वे दूध कम देती है यानी उस दिन का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। और कई बार कई जानवर खाना काफ़ी कम कर देते हैं यानी जिस दिन गर्मी पे होते हैं उस दिन खाना कम हो जाता है। तो इन सभी लक्षणों से हम जान जाते हैं कि ये गाय गर्मी पे है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि गाय गर्मी पे है यानी जब हमें पता चलता है कि गाय सुबह गर्मी पे है तो उसको शाम तक यानी 10 से 12 घंटे के बाद में गाभिन कराना चाहिए। और हमें पहली बार यदि पता चलता है कि हमारी गाय शाम को गर्मी पे आई है तो अगले दिन सुबह गाभिन कराएं। तो ऐसा कराने से होता यह है कि उसके गर्भधारण की दर बढ़ जाती है।